हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इजी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बस्ट ब्रेड पिज़्ज़ा। तो अगर आपके बच्चे आपसे कभी भी पिज़्ज़ा की डिमांड कर लेते हैं तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये पिज़्ज़ा आप कभी भी बना के दे सकते हैं। इसके लिए बस जो थोड़ा बहुत सामान है वो घर पे अवेलेबल होना चाहिए। ब्रेड से बन जाता है और बहुत ही फटाफट से ये बन के तैयार हो जाता है। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है, पीछे से ब्रेड भी अच्छी तरीके से सिकी हुई है। तो चलिए फिर बिना किसी देर के फटाफट से इसकी हम रेसिपी देख लेते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पे टोटल एक पिज़्ज़ा में 8 ब्रेड के स्लाइस लगेंगे। ब्रेड लेके उसको हम कट कर लेंगे, जो उसके कॉर्नर्स हैं उनको निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 स्लाइस लिए हैं, उसके मैं कॉर्नर निकाल दे रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कॉर्नर्स को निकाल दें। आप ब्रेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट या ब्राउन, जो भी आपके मन की हो वो ब्रेड का यूज़ करें। अब ये देखिए कॉर्नर को मैंने कट करके निकाल दिया है, तो ये मैंने बाकी के स्लाइसेस का भी निकाल दिया है। टोटल 8 स्लाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब इसमें से 4 स्लाइस मैं अलग रख दूंगी और पहले 4 स्लाइस का हम यूज़ करेंगे। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और थोड़ा सा एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे। तो इसमें एक साइड में हम पानी लगाएंगे ब्रश से, या फिर ऐसे ही आप अपनी उंगली में पानी लेके लगा सकते हैं। पानी लगाएंगे, अब दूसरा जो ब्रेड स्लाइस है उसको इसमें हम चिपका देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरीके से दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ये देखिए अब ये हो गए हैं। इसी तरीके से बाकी के जो 2 हैं उनको भी हम पहले ऐसे ही चिपका लेंगे। तो इसमें भी एक साइड में थोड़ा सा पानी लगा के दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है उसको हम इसमें चिपका देंगे। अब ये हमारे 2-2 के 2 पेयर बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहले वाला था उसमें अब हम पानी लगाएंगे थोड़ा सा। इस तरीके से आप पानी लगा दीजिएगा। और अब जो दूसरा वाला पेयर है उसको हम इसमें चिपका देंगे। तो ये देखिए ये 4 ब्रेड स्लाइस से हमारी एक शीट बनके तैयार हो गई है। अब बिल्कुल इसी तरीके से 4 और जो हमारे पास स्लाइस है उनकी भी हम एक शीट बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पहले से बना के तैयार कर ली हुई है। तो ये हमारे पास अब 2 शीट्स हो गई हैं ब्रेड की। आप चाहें तो आप इन दोनों शीट्स को बेलन से बेल भी सकते हैं, थोड़ा इसको पतला कर सकते हैं, बट मैं वो कर नहीं रही हूँ, मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक तवा लिया है, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसका तला थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इसमें अब नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा बटर लगा दे रही हूँ। अब इसके ऊपर हम ब्रेड की एक शीट रख देंगे। ये रखने के बाद अब इसके ऊपर हम चीज स्लाइस रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 चीज स्लाइस के यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो इसकी जगह आप जो चीज स्प्रेड आता है वो भी यूज कर सकते हैं। गैस मैंने अभी ऑन नहीं की है, गैस हम तब ऑन करेंगे जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके ऊपर से दूसरी जो हमने ब्रेड की शीट बनाई थी उसको मैं रख दूंगी। और ये रखने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो लगाएं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे शेज़वान चटनी ली है। ये देखिए कोई भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। तो 2 चम्मच इसमें मैं शेज़वान चटनी के डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें केचप डाल रही हूँ। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो इसमें आप रेशियो बिल्कुल उल्टा कर दें कि 2 चम्मच इसमें केचप डालें और 1 चम्मच इसमें आप शेज़वान सॉस डालें। तो मैं तो आज के इस पिज़्ज़ा में यही सॉस यूज़ करने वाली हूँ जो कि मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अच्छी तरीके से हर तरफ हम इस चटनी को स्प्रेड कर देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ केचप का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है और बिल्कुल भी तीखा नहीं रहता है। इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ चीज़। तो यहाँ पे मैं डाइस वाला चीज़ यूज़ करती हूँ, ये मोज़रेला चीज़ है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं यही चीज़ का यूज़ करती हूँ।
ये देखिए, ये इस तरीके के बड़े पैकेट में आता है। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद मैं इसमें ऊपर टॉपिंग्स डालूंगी, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी टॉपिंग इसमें डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ चीज़ और कॉर्न डाल सकते हैं, चीज़ और अनियन डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसमें नॉनवेज टॉपिंग्स भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें वेज ही आज बना रही हूँ, तो वेज टॉपिंग्स डाल रही हूँ। थोड़े से इसमें मैं प्याज, टमाटर, कैप्सिकम डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं कॉर्न भी यूज़ कर रही हूँ, तो स्वीट कॉर्न जो मार्केट में आता है वो ही मैंने यूज़ किया है, तो कॉर्न भी इसके ऊपर डाल दूंगी। और थोड़े से इसके ऊपर मैं जेलेपिनो लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप इसमें ब्लैक ऑलिव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी टॉपिंग्स रखने के बाद इसमें ऊपर से हम थोड़ा सा और चीज़ डालेंगे, तो ये भी मैं वही वाला मोज़रेला चीज़ डाइस वाला ही यूज़ कर रही हूँ। इस चीज़ के साथ थोड़ा सा मैं ये वाला चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरीके के पैकेट में आता है, इसमें मोज़रेला और चेडार दोनों चीज़ का मिक्सचर होता है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा कद्दूकस करके वो भी सारा इसके ऊपर डाल दूंगी। चीज़ की जो क्वांटिटी आप यूज़ करें वो थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जब चीज़ ज़्यादा होता है तो पिज़्ज़ा का मज़ा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छी तरीके से पूरे कॉर्नर्स पे भी अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे हम। अब लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगेनो डालूंगी। अगर आपके पास ओरिगेनो ना हो तो आप यहाँ पे मिक्स हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी यहाँ पे साथ में इसके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अब इसे हमें पकाना है, तो पकाने के लिए इसको हम किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे। इस तरीके का ढक्कन हो तो करें, जैसे ये मुझे छोटा पड़ रहा है, तो आप किसी भी चीज़ कोई बड़ी परात से इसे या प्लेट से ढक सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, इसको पूरे को शिफ्ट कर दे रही हूँ एक दूसरे पैन में, तो मैं इसको आराम से उठाऊँगी और पैन में शिफ्ट कर दे रही हूँ। अब इसमें ये आराम से कवर हो जाएगा। वैसे तो तवे में भी कोई मुश्किल नहीं थी, उसमें भी आप कोई भी बड़े बर्तन से, कोई पतीले से या फिर कोई बड़ी परात से आप उसको ढक करके रख सकते हैं। इसको ऊपर से कवर करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे, और लो करने के बाद इसको इसी तरीके से ढक करके 10 मिनट कम से कम पकने देंगे। गैस का फ्लेम अगर आप हाई रखेंगे तो नीचे से ब्रेड जो है वो जल जाएगी, तो इसलिए फ्लेम एकदम लो ही रखिएगा। अब इसको रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, तो एक बार अब इसका ढक्कन उठा के हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से चीज़ मेल्ट हो गया हुआ है और बढ़िया तरीके से ये बन भी गया हुआ है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हम किसी दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेरे पास एक पिज़्ज़ा कटर है, तो इसको मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस भी साइज़ के आपको रखने हैं आप वैसे इसको काट सकते हैं। ये पिज़्ज़ा तो मैंने स्क्वायर ही बनाया है, बट अगर आप चाहें तो आप इसको राउंड भी कर सकते हैं। ब्रेड की शीट्स जैसे हमने बनाई थी वैसे ही बनाएं, बस बनाने के बाद उसको राउंड कट कर लें। तो ये देखिए, हमारा बढ़िया सा ब्रेड चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा बनके एकदम तैयार है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना है ये, और आप देख भी सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये। तो होप आप सभी को आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आपको एक और ऐसे ही बढ़िया और अच्छी रेसिपी के साथ।